हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूं, जो आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से विनम्रतापूर्वक और मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बैक पेन, लो बैक पेन, स्लिप डिस्क और साइटिका के बारे में। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन ये सब चीज़ें एक ही हैं। इनका मतलब, इनका अर्थ और ये सब एक ही हैं। तो आज मैं आपको ये सारी की सारी कहानी समझा रही हूँ कि ये आखिर स्लिप डिस्क, बैक पेन, कमर दर्द, साइटिका या फिर नस दबना, ये कैसे होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है, उन्होंने इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाना है, इसे समझने के लिए आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखाने जा रही हूँ, जिसके द्वारा आपको पता चलेगा ये प्रॉब्लम आखिर कैसे बढ़ती है, क्यों होती है, हमें क्या करना चाहिए। हमारी ये स्पाइन बनी होती है, जिसे डिस्क भी कहा जाता है। तो ये हर इंसान ये कहता है कि हमारी डिस्क में प्रॉब्लम आ चुकी है। होता क्या है, डिस्क के अंदर ये वर्टिब्राज बने होते हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में छल्ले कहा जाता है। ठीक है, ये होते क्या हैं, L1, L2, L3, L4, L5 और S1, ये होते हैं। और इन हर वर्टिब्राज में से एक एक नस निकल रही होती है। वर्टिब्राज के बीच का जो स्पेस होता है, इसका जो स्पेस, ये वर्टिब्राज है ना, जो हर एक छल्ला यानी इनके बीच का जो स्पेस होता है, ये 80% तो बना होता है पानी से और ये 20% बना होता है प्रोटीन और कैल्शियम से। धीरे धीरे या किसी भी कारण से, कारणों की भी बात करेंगे आगे इसी वीडियो में, ये स्पेस ख़त्म हो जाता है। यानी ये सारे के सारे कैसी बन जाती है ये डिस्क, इस तरीके से हो जाती है। यानी जो ये स्पेस था, ये ख़त्म हो गया, जिसके कारण चाहे तो ये सारे के सारे का स्पेस ख़त्म हो जाए, इनका सबका स्पेस ख़त्म हो जाए, और चाहे किसी एक का स्पेस ख़त्म हो जाए, बाकियों के अंदर पड़ा है लेकिन एक का स्पेस यानी L2 का स्पेस ख़त्म हो गया और इसकी ये नस दब गई। ये नस के दबने से क्या हुआ, ये जो पतली पतली नसें हर में से निकल रही हैं ना, ये आगे चल कर एक साइटिका की मोटी नस यानी मोटी नर्व का निर्माण करती हैं, जिसके कारण पूरी लेग में पेन होने लगता है। अब आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि आखिर साइटिका का पेन कैसे स्टार्ट होता है। और हमेशा ही, चाहे बैक पेन हो, स्लिप डिस्क हो, साइटिका की प्रॉब्लम हो, तो वो हमेशा L1 से ही स्टार्ट होती है और S1 तक किसी में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, इससे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या इन वर्टिब्राज को, यानी कि इन मनकों को, इन छल्लों को वापस अपनी जगह पर लाया जा सकता है, क्या इनके बीच के जो स्पेस था उनको वापस किया जा सकता है, जो ख़त्म हो गया है, स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्या उनको वापस ऊपर किया जा सकता है, स्पेस को वापस तय किया जा सकता है। तो हाँ, किया जा सकता है, लेकिन कोई भी ऑपरेशन या एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा नहीं किया जा सकता। हाँ, आप फिजियोथेरेपी के द्वारा और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा 100% कर सकते हैं। आप स्पाइन का ऑपरेशन नहीं करवाइए, सिर्फ आप इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आपके बहुत सारे पैसे बच जाए, आपका बहुत सारा टाइम बच जाए, इसके अलावा आप भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि ये दर्द तो नीचे वाले एरिए से स्टार्ट होता है। किन लोगों को ये दर्द ज़्यादा होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं नीचे से, इसके अलावा जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, इसके अलावा जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वात यानी वाई इकट्ठी होती रहती है, इतनी वाई इकट्ठी हो जाती है कि उनके इस डिस्क में जाकर जो ये छल्ले बने हैं, वर्टिब्राज बने हैं, इन छल्लों के अंदर का जो फ्लूड है, 80% पानी है, 20% प्रोटीन और कैल्शियम है, उसको सुखा देती है ये वात, ये वायु, ये हवा, इनको सुखा देती है, जिसके कारण ये छल्ले आपस में, वर्टिब्राज आपस में टच होने लगते हैं और किसी ना किसी नस को दबा देते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब ये कोई ना कोई नस दब जाए तो क्या होता है। जैसे ही कोई ना कोई नस दबती है, तो पूरी लेग में पेन होने लगता है। पूरी लेग में जो पेन होगा, वो पीछे वाले एरिया में होगा, यानी जहाँ हम देख खड़े हैं, सामने वाले एरिया में, घुटना जहाँ होता है वहाँ नहीं, घुटने के पीछे, पिंडली के पीछे, इन एरियाज में दर्द होने लगता है।
टांगों में नंबनेस आने लगती है, यानी पलाथी लगाकर बैठे हैं सुन हो जाती है, टांगे हैं पैर हैं सुन हो जाती है, क्योंकि सीधा सा मतलब है कि आपके पैर जो हैं अपनी टांगों में नंबनेस आ चुकी है क्योंकि आपकी कोई ना कोई नस दब चुकी है। इसके अलावा आप जब लेटे हैं ना तब आपके बहुत दर्द होगा, जैसे ही आप खड़े होंगे, चलेंगे ना तो कोई दर्द नहीं होगा, जैसे जैसे आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी ना साइटिका का पेन ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप थक हार कर लेटेंगे और फिर खड़े होंगे फिर ये प्रॉब्लम इतना ज़बरदस्त होगा कि शायद आपसे सहा नहीं जाता। तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना है, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इलाज हमने कैसे करना है। तो एक चीज़ देखिएगा कि डाइट पर सुधार लाना है, वात बॉडी से दूर करनी है, एक्सरसाइज और वॉक करनी है। एक्सरसाइज कौन सी करनी है, 7 ऐसी एक्सरसाइज हैं जो स्पाइन यानी कि स्पाइन को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं, जो वर्टिब्राज जो आपको मैंने छल्ले बताए थे अपनी जगह से खिसक गए थे और उनके पानी जो था वो भी सूख गया था वात के कारण, उनको वापस अपनी इस जगह पर अगर कोई चीज़ कर सकती है वो है एक्सरसाइज। वो कौन सी है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, 7 ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कि वर्टिब्राज को वापस अपनी जगह पर कर सकती हैं। इसके अलावा आप वॉक ज़रूर करिएगा, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसे आपने फॉलो करना है, जैसे आपने वेट नहीं उठाना, बहुत सॉफ्ट गद्दे पर नहीं सोना। इसके अलावा जो साइटिका का पेन लेग में हो रहा है उसको दूर करने के लिए आपने स्टिफनेस को दूर करने के लिए, उसकी स्वेलिंग को दूर करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिससे ये सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो सके। तो इलाज में आपने क्या करना है, रोजाना शिलाजीत का सेवन करना है, लिक्विड शिलाजीत आती है, शिलाजीत हमारी नसों को मजबूती देती है और जो वर्टिब्राज अपनी जगह से हिल चुका है साइड में हो चुका है नस को दबा रहा है, दबी हुई नस को ठीक करता है और डिस्क को सही करता है। इसके लिए एक चीज़ बता दूं, ये नहीं कि अकेला आपने शिलाजीत ले लिया, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। शिलाजीत आपने कितनी लेनी है, माचिस की तिल्ली होती है ना, इतनी बड़ी माचिस की तिल्ली होती है, उसको आपने 4 भागों में डिवाइड कर देना है और एक भाग पर लिक्विड शिलाजीत जितनी उठाई जाए उसे गुनगुने पानी में डालकर ले लीजिए, बस इतनी ही शिलाजीत आपने रोजाना लेनी है। ये नसों में आने वाली जो भी प्रॉब्लम है, नस दब चुकी है, उसको ठीक करती है, लेकिन इससे ज़्यादा इसका सेवन नहीं करिए। महिलाओं के लिए इसका सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद है, ये पुरुषों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बस मात्रा का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा आप अंकुरित मेथी दाने का यूज़ भी कर सकते हैं। अंकुरित मेथी दाना बनाने के लिए आपने क्या करना है, रात को मेथी भिगो देनी है, सुबह जब वो फूल जाए तो उसे किसी भी कपड़े में रैप करके रख दीजिए, अंकुर निकल जाए तो रोज़ाना इसका 2 चम्मच सेवन कीजिए और पानी भी ज़रूर पीजिएगा क्योंकि इसके लिए फाइबर को पचाने के लिए पानी की ज़रूरत भी ज़रूर होती है। इसके अलावा बॉडी में से वात यानी वाई जिसके कारण ये सारी की सारी प्रॉब्लम पैदा हुई है उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है और उसे दूर करेगी सिर्फ एक चीज़, वो है गिलोय। गिलोय का सेवन करने वालों को कभी भी बॉडी में वात की समस्या वाई की समस्या नहीं हो सकती। जिनके भी जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द रहता है, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द रहता है, यानी कि साइटिका की प्रॉब्लम हो चुकी है, डिस्क की प्रॉब्लम हो चुकी है, बैक पेन की समस्या हो चुकी है, उनको रोजाना ही गिलोय का सेवन सिर्फ 2 से 3 चम्मच आधे गिलास पानी में मिक्स करके आपने लेना है। आपने ये तो जान लिया कि वात को दूर करने के लिए आपने गिलोय का सेवन करना है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि वात वाली चीज़ें खाते रहें। आपने आलू है, बैंगन है, चावल है, फूलगोभी, पत्ता गोभी यानी अरबी, भिंडी, वात वाली जो भी चीज़ें आती हैं ना बॉडी में वात को पैदा करती हैं, उनका सेवन आपने नहीं करना। यानी आपको मैंने फर्स्ट तो बता दिया कि आपने एक्सरसाइज करनी है जो मैं आपको बता दूंगी, सावधानी आपको बता दी, वात को दूर करने के लिए आपने गिलोय का सेवन करना है, इसके साथ वात वाली चीज़ें नहीं खानी, और इलाज के तौर पर आपने शिलाजीत और मेथी दाने का सेवन करना है। ऐसा करने से जिन भी लोगों के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आ चुकी है, वर्टिब्राज अपनी जगह से खिसक चुके हैं, वो ठीक हो जाएंगे। एक्सरसाइज को स्किप नहीं करिएगा, उसकी वीडियो नेक्स्ट डे आपको ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है, और अगर आपके कोई सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो ज़रूर पूछिए क्योंकि आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।